पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया और नियमों के पालन हेतु आमजन को शपथ दिलाई। सड़क सुरक्षा अभियान के चलते सिंगरौली में SSP शिव कुमार वर्मा और यातायात प्रभारी रामायण मिश्रा के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई और यातायात संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पुलिस कर्मियों ने हेलमेट पहनकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से रैली निकाली। यातायात पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं वाहन चालकों को रात्रि में सतर्क करने हेतु सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं के सींग पर रेडियम टेप और गर्दन में रेडियम बेल्ट पहनाया गया। यातायात नियमों के पालन हेतु आमजन को शपथ दिलाई गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, जो 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चलाया जा रहा है। इसमें लोगों से अपेक्षा की जा रही है, लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि लोग हेलमेट धारण करें, यातायात नियमों का पालन करें, चार पहिया चलाने वाले सीट बेल्ट पहने, स्पीड को नियंत्रित करके रखें, शराब पी के वाहन ना चलाएं। इसके साथ साथ बच्चे और जो नए नए लोग हैं, जो लाइसेंस ले रहे हैं, उनसे भी अपेक्षा की जा रही है कि वो यातायात नियमों को सीखें और उनका पालन सुनिश्चित करें, जिससे दुर्घटनाएं कम से कम। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के प्रथम सिंगरौली आगमन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक राजेंद्र सिंह परमार, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सिंगरौली। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।